हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सो गाइज, इस वाला वीडियो में मैं अपने गेम प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइज, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ और सभी कमेंट को मैं चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के रिप्लाई करता हूँ। तो गाइज, उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने भाई सोलो रैंक पुश के वीडियो कभी देखे नहीं होते, या फिर जो नए नए होता भाई पबजी की कुछ नई नई ऑडियंस है। तो गाइज़, मैं तुमको बता दूं कि मेरा जो गेम प्ले है वो किस पे बेस्ड है और सीन क्या है भाई मेरे गेम प्ले का। कभी कभी उनको लगता है कि ये नूब जैसा खेल रहा है भाई, डर डर के। तो गाइज़, आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब आप पबजी खोलते हो ना, तो लीडर बोर्ड वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आप जाओ और उसके बाद सोलो सेलेक्ट करो, वहाँ पर आप सेकंड रैंक पर मेरा नाम देखोगे। तो गाइज़, ये लिस्ट कोई ऐसे मामूली लिस्ट नहीं है नॉर्मल बंदों की, मतलब ये पूरे एशिया की सर्वर, मतलब एशिया में कितने देश हैं और उन देशों में कितने प्लेयर्स है गाइस, तुम खुद गौर करके देखो। तो गाइस, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने स्कूल टाइम में असेंबली हॉल में भाई जो टॉपर टॉपर बंदे होते हैं ना हर क्लास के, उनके नाम और उनके परसेंटेज लिखे जाते थे, तो ये वैसा ही है भाई, बिल्कुल प्राउड वाला मतलब मोमेंट है ये मेरे लिए। तो गाइज़, मैं अब क्लियर करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों खेलता हूँ, मतलब बिल्कुल सेफ। तो गाइज़, जो लीडर बोर्ड में वहाँ पर जाने के लिए भाई बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और खिसानी पड़ती है, मतलब आपको टॉप करने के लिए भाई बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे ही भाई यहाँ पर आने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। खेलना कैसे, वो दिमाग से खेलना है ना कि रश करके। तो गाइस, ऐसे गेम प्ले जो रश करके खेले जाते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए गाइस कॉन्करर लीग में जब वहाँ पर मेरा रैंक चल रहा है तो मैं रश करके खेलूँगा तो भाई बहुत ज़्यादा माइनस लग जाएगा और हम बहुत पीछे आ जाएंगे। तो हम नहीं चाहते वही पीछे आ जाए, क्योंकि भाई लोग इतने प्लेयर्स के होते हुए भाई एशिया में नंबर वन प्लेयर बनना बहुत ही मेहनत और दिमाग वाला बंदा ही कर सकता है, और हैक वाला भी कर सकता है, लेकिन मैं हैक नहीं लगाता हूँ गाइस, क्योंकि भाई मेरे गेम प्ले से और जो मैं वॉइस ओवर करता हूँ मेरी बातों से लग जाता है कि भाई बंदे में क्या दम है, मतलब बातों से ही पता पड़ जाता है भाई, गेम प्ले का जो सार है पूरा बातों में पता पड़ जाता है। अगर कोई बंदा तुमको ऐसे ही हैक वाला गेम प्ले दिखा के फालतू बक्शो दिखा रहा है तो तुम उसकी बातों से ही पहचान जाओगे कि ये फेक प्रो प्लेयर है। अब जो भी बंदे नए जुड़ रहे हैं ना गाइज, तुमको सोलो रैंक पुश के वीडियो तुमने कभी देखे नहीं, तो गाइज सोलो रैंक पुश अभी तो फिलहाल मेरा रैंक पूरे एशिया में नंबर दो चल रहा है, तो मैं ऐसा गेम प्ले जो बहुत रश जुनून जोश इसके साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि अगर वहाँ से अगर हम जल्दी माइनस करवा देते हैं तो हमारा रैंक पीछे आ जाएगा। भाई एशिया में देश कितने पूरे बताओ गाइज, और इतने देशों के बीच में यहाँ पर भारत का झंडा टॉप पे लगा हुआ है, तो गाइज ये बहुत ही प्राउड वाली बात मेरे लिए और अपने पूरे इंडिया के लिए। गाइज अपन को फील नहीं होता है कि भाई अपन प्रो हैं और अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे देश वाले बंदे जो भाई वो सोचते हैं कि भाई देश इंडियंस आर सो गुड वेरी प्रो प्लेयर्स, उनको भाई फील होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये लोग बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं। जैसा चाइनीज़ प्लेयर होते हैं ना भाई, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है, मतलब उनके गेम फॉर पीस वाले उधर एरिया में, तो वैसे ही भाई ये जो ग्लोबल चल रहा है वहाँ पर हमारा दबदबा बहुत ही ज़ोरदार तरीके से है। तो गाइज़ यहाँ पर बने रहने के लिए हमको बिल्कुल दिमाग से खेलना पड़ता है, जैसे भाई अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भाई टेस्ट चल रहा है भाई, उसमें कैसे खेलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आते ही चौके छक्के ले ली भाई, बहुत ही टेक्निकल बिल्कुल प्लेड, अगर बॉल गलती से गलत आती है उसको ही मारो अच्छा चौका, वरना बस प्लेड प्लेड करते जाओ भाई, सही मौके का इंतज़ार करो, ऐसे ही खेला जाता है गाइस, बिल्कुल पेशेंस आपका 100 लेवल पे होना चाहिए। Wait a minute, who are you? Robo bitch. तो गाइस जो सोलो के मैं मैच खेलता हूँ भाई, उसमें हैकर्स और टीम अप वाले बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं, मतलब टीम अप वाले बंदे अलग ही और हैकर अलग ही और हैकर प्लस टीम अप, ये अलग ही प्रकार की भाई प्रजाति है। तो भाई इनसे बचने के लिए मैं ऐसा गेम खेलता हूँ, वरना अगर मैं कोचिंग की उतर गया जोशपुर उतर गया ना तो भाई जल्दी माइनस खा जाऊँगा। और फिलहाल जो मेरा रैंक चल रहा है भाई उसके हिसाब से तो सेफ खेलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई बंदा उस पोजीशन पे नहीं जा सकता जिसमें भाई अच्छा खासा दिमाग पेशेंस और आईक्यू होता है, वो ही वहाँ पर जा सकता है। तो गाइस अब करते हैं अपने गेम प्ले की बात, जिसमें गाड़ी पे उतरने का प्लान था मेरा, लेकिन गाड़ी डिसअपियर हो गई भाई, मेरे से दूर भाग गई होगी भी, तो अब सराउंडिंग कंपाउंड लूट के हम बोर्ड दो मार दिए मैंने और हम एंटर करते हैं भाई सीधे फाइनल जोन में, क्योंकि जो मिडिल जोन और स्टार्टिंग पार्ट होता है उसमें फ़ाइट लेने का तो कोई सीन ही नहीं बनता गाइस, अगर वहाँ पर आप फाइट हार जाते हो तो आपका
माइनस लगेगा। माइनस कितना भाई 40 माइनस, और माइनस 40 यानी आपकी 10 मैचों की माइनस। अब जैसा कि आप लोग को पता है, मैं हैकर लोगों से बचने के लिए गाड़ियों पे ही घूमता हूँ। अब यहाँ पर ये भैया जी हैकर जी हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे किल करेंगे, लेकिन मेरे में दिमाग है भाई, मैं पहचान जाता हूँ कि आप हैकर जी राक्षस जी हैं, तो मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना गाड़ी फुल बूस्ट में भगा लेता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास प्लान बी भी था, कहीं ऐसी जगह पर रोकता मैं जिससे ये बंदा सीधा आता दिखे और मैं इसको गाड़ी पर ही उतार दूँ। तो गाइज आप भी ऐसा किया करो, अगर कोई बंदा हैकर वेकर या ऐसे टीमर वाले बंदे पीछे पड़ते हो तो ऐसी जगह रोक दिया करो जहाँ से आप सीधा उनको गाड़ी पे ही उतार सको, और पहला फायर उस बंदे पे करना जो ड्राइविंग सीट पे ना हो, मतलब जो गन चला रहा हो। अब उस बंदे से पीछा छुड़ा के मैं एक तरफ बिल्कुल एकांत वाले एक कंपाउंड में आ जाता हूँ। भाई यहाँ पर मैं वेट करता हूँ थर्ड जोन का, क्योंकि थर्ड जोन के बाद मैं सीधा जोन में जाके एंट्री मारता हूँ। तो गाइज अब चलते हैं, यहाँ पर ब्लू जोन स्टार्ट हो चुका है, अब हमको जाना है सीधा जोन में ताकि हम होल्ड कर सके और बंदों के किल भी दे सके। अगर किल नहीं मिलेंगे ना तो हमारा प्लस कम होगा, क्योंकि आप बच बच के खेल रहे हो तो आपका प्लस नहीं देगा पबजी का पॉइंट सिस्टम। अब मैं यहाँ पर अपना गाड़ी इसलिए घुमा रहा हूँ कि जो जोन आ रहा है ब्लू जोन वो सीधा बन जाएगा, और जो एडवांस जोन बनेगा ना वहाँ पर मैं होल्ड कर लूँगा। तो देखो गाइज यहाँ पर जोन बन गया, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन से ऐसे कंपाउंड है जहाँ पर मैं होल्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर प्रिजोन के साइड में एक स्नाइपर टावर है, वहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ पर एक गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई है। अब वहाँ पर मैं बिल्कुल पास भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बंदा है तो भाई फायर देगा और हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का हम रिस्क ले। और ये जो भाई समतल जगह पर ये कंपाउंड, ये मतलब होल्ड किया हुआ नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब मैं लगातार अपना गाड़ी घुमा के देख रहा था ये कोई कंपाउंड है ऐसा छोटी कोई भी जगह जो जोन में हो, और ये कंपाउंड मतलब छोटा सा एक मुझे मिल जाता है जोन में। अब इसमें मैं होल्ड करता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं सही तरीके से अपने सेक के अंदर घुसा भी नहीं था कि इधर साइड से एक गाड़ी आता है जो कि यहाँ पर आके रुक जाता है। जरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अब उस बंदे पे मैं नेड करने की ट्राई करता हूँ। तो गाइस नेट तो कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो बंदा मतलब डरेगा कि यह बंदा थोड़ा मतलब एक्टिव है, इससे फाइट लेना सही नहीं रहेगा हमारे लिए, और वो बंदा वहीं पे छुप के रहता है। अब इतनी देर में एक डासिया लेके आ जाता है बंदा, जो कि इधर उधर स्काउट कर रहा था कि कोई जगह मुझे मिल जाए होल्ड करने के लिए, लेकिन उसको भी कोई जगह मिलती नहीं है, तो वो वहाँ पर रुक के किसी पर फायर करने लग जाता है। अब उसके बाद वो बंदा तो निकल लेता है, और वो जो बंदा बिल्कुल पास में गाड़ी लेके यूएसएड लेके आया था भाई यहाँ पर, उसके लिए जोन था नहीं यहाँ पर, तो वो बंदा पता नहीं गाड़ी छोड़ के क्यों पैदल आ रहा था। देखो गाइस अब यहाँ पर वो बंदा बिल्कुल ओपन से आ रहा था, एक नॉर्मल आइडियल कॉन्करर प्लेयर यही सोचेगा कि बंदा ओपन से आ रहा है उसको मैं मार देता हूँ। अब कुछ बंदे ऐसा दिमाग लगाते हैं ना भाई, टीम अप करके रखते हैं और एक बंदा ओपन से जाता है और दूसरा बंदा भाई बिल्कुल ही सतर्क रहता है उस मतलब हमको मारने के लिए। तो गाइज यही मेरे दिमाग में था कि वो बंदा ओपन से क्यों आ रहा है जब उसके पास गाड़ी थी, तो यही सोच के मैं भाई इधर से बिल्कुल ओपन से फायर नहीं करता हूँ उस पर, बिल्कुल सेक के कवर में रखे फायर करता हूँ, मतलब चेक कर रहा था, फायर तो नहीं किया। लेकिन अभी इतनी देर में भाई ये भाई साहब बग्गी लेके क्यों आ जाते हैं, और यहाँ पर देखो गाइज इनकी फाइट होती है। अब यहाँ पर भाई फाइट तो नहीं, लेकिन वो जंप करने लग गया वो बंदा, क्या पता वो बिग फैन होगा उसका। लेकिन मैंने उसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा मार देता उसको। अब हमारे पास हमारा गाड़ी बिल्कुल ओपन में रह गया था, तो हम तुरंत अपना गाड़ी ले निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वो जो बंदा था भाई एक नाली थी ना वहाँ पर से अच्छा खासा कवर था उस पर, और वो हम पे फायर भी कर सकता था, एटलीस्ट वो हमारा जो गाड़ी है इसको डैमेज कर देता, तो हम मतलब मेरे लिए तो नुकसान ही हो जाता गाइस, क्योंकि उसके पास बग्गी आ गई थी जोन में जाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने हिल कर लिया, अब वो बंदा भी इधर से ही आएगा, और उसके लिए मैंने पहरेदारी बिठा ली, अगर आया तो भाई फोड़ दूंगा उसको। लेकिन अब वो बंदा बिल्कुल फास्ट स्पीड में थोड़ा साइड से निकल लेता है, जिसमें मैं फायर कनेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं होता है बुलेट कनेक्ट। अब उस बंदे पे मैं फायर करके कवर में लेटा ही था कि एक बग्गी का साउंड आता है। अब वो बंदा भाई लास्ट मैच की तरफ कुचल नहीं दे मुझे, इसलिए मैं गाड़ी में गेट इन हो लेता हूँ। अब इस भाई साहब को बिल्कुल हेडशॉट के हेडशॉट पड़ गए, और ये किल हो जाता है भाई बग्गी में, पीछे से शॉट कैसे पड़ गए इसको मुझे नहीं पता, लेकिन किल हो जाता है गाइस ये। और अपना गाड़ी फिर से इस डिप में लगा देते हैं कि कोई डैमेज ना कर दे इसको।
चलो गाइज, अब ये वाला जोन भी क्लोज इन होना स्टार्ट हो गया और हम निकल लेते भाई अपने जोन की तरफ। तो गाइज देखो, दो बंदे मिलके फायर कर रहे हैं लेकिन एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुआ गाइज, तो ये दर्शाता है कि इनको टीम अप की कितनी सख्त जरूरत है। तो गाइस जैसे तैसे हमने अपना गाड़ी सेव करके यहाँ पर आ गए इस ऊपर की तरफ, क्योंकि इस तरफ से उनका जो टीमों वाले बंदे उनका एंगल नहीं मिल रहा है मुझे। और इस तरफ देखो गाइस, जहाँ पर स्मोक हो रहा है वहाँ पर एक बंदा होना ही है। अब उसकी तरफ से मैंने गाड़ी जो लगा रखी है तो कवर में हूँ मैं। तो गाइस इस तरफ से जो बंदा है इसको अगर मैं क्लियर कर देता हूँ तो इस तरफ से मेरा मतलब एरिया साफ हो जाएगा। और यहाँ पर देखो गाइस, वो बंदा ओपन से भागता हुआ स्पॉट होता है। अब मैं रिलोड कर लेता हूँ गाइज, और यहाँ पर एक गाड़ी आने वाली गाइज। और ये बंदा भाई भागते भागते मारा जाता है और हम भी निकल लेते हैं क्योंकि ब्लू जोन हमको खाया जा रहा है भाई, बहुत भूखा है ये ब्लू जोन। अब गाइज हमारा AWM पड़ा हमारे गाड़ी को और धुएं निकलने स्टार्ट हो गए, तो हमने सोचा यहाँ पर ही गाड़ी रोक लेते हैं। और पीछे से भाई स्मोक हो रहे थे तो इस तरफ से मुझे डेंजर लग रहा था, और पीछे से भी मैं एक स्मोक कर देता हूँ कि वो बंदे क्लोजिंग ना कर दे दोनों। अब यहाँ पर नेड आता है गाइज और मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया क्योंकि इस तरफ से स्मोक का साउंड और नेड का बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग था, तो मैं इधर भागने लग जाता हूँ और मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है भाई टीम अप। अब ये कोई नई समस्या नहीं है, हमारे दादा परदादा भी इससे जूझते आ रहे हैं और आज हम भी जूझ रहे हैं। तो गाइस टीम अप क्यों करते हो, ये जो इसका टीममेट था ना इसका एडवांटेज था, मतलब अगर दूसरा बंदा होता एनिमी तो यही डिसएडवांटेज में बदल जाता और हम बच भी सकते थे गाइस। तो गाइस मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई दूसरों के दम पे मतलब कॉन्कर लेने का क्या सीन है, जब तुम सोलो खेल रहे हो तो भाई दो बंदे मिलकर कॉन्कर कैसे कर रहे हो तुम। अब इनका कहना है कि भाई हैकर मार जाते हैं हमको, ऐसा सीन है इसलिए हम टीम अप करके खेलते हैं। तो गाइस कॉन्कर का सीन क्या है, तुमको तुम रैंक पुश क्यों कर रहे हो कॉन्करर के लिए, और कॉन्करर का हिंदी अर्थ जान लो यार एक बार, कॉन्करर का मतलब होता है फतेह करने वाला। अब तुम खुद गौर करो भाई किस पे फतेह कर रहे हो, तुम एक हैकर को नहीं मार सकते तो हैकर से डर रहे हो तुम, तो डर पे तुमने कहा है कि फतेह हासिल की भाई। खैर छोड़ो गाइज टीम अप वालों और हैकर से हमको क्या लेना देना। अब हर पबजी प्लेयर का एक ड्रीम होता है गाइस कि वो कॉन्कर जाए और अपने दोस्तों को दिखाए गाइस, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट भाई सोलो होगा। और स्क्वाड में और डुओ में भाई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता और बंदे भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इसलिए आपको भाई सोलो खेलना चाहिए। और इसलिए मैं जो ट्यूटोरियल वीडियो मतलब इस तरीके से आपको खेलना चाहिए इसलिए मैं ये वीडियो डालता हूँ गाइस। आप भी लग जाओ भाई अभी से ही कॉन्कर में, क्योंकि एक दो सीज़न तुम ट्राई करोगे उसके बाद ही कॉन्कर होगा। ऐसा नहीं कि तुमने आज दुकान खोला और आज ही तुमको 1 मिलियन का टर्नओवर मिल जाएगा। तो और मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो, मैं सोलो कॉन्कर के गेम प्ले डालता हूँ गाइस, तो तुम जैसे जैसे देखोगे ना मेरे गेम प्ले गाइस तुमको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होगा, तुम सीखते भी जाओगे और मैं टिप्स तो भाई साथ साथ में बताता ही रहता हूँ। तो गाइस ये वाला गेम प्ले अगर तुमको पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत बोलना। तो चलो गाइस वंस अगेन, अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब करो, और तुम सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले वीडियो तुमको देखने मिलेगी, और जैसे जैसे तुम वीडियो देखोगे भाई सीखते जाओगे और प्रो बनोगे भाई, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा और तुम एक दिन भाई किसी को भाव ही नहीं दोगे भाई, घाटोगे ही नहीं तुम। अब जैसे हम क्रिकेट खेलना कैसे सीखे गाइस, टीवी में देख के सीखे ना भाई कोहली कैसा कवर ड्राइव मारता है, तो जैसे जैसे हम देखे वैसे वैसे हम सीखते गए और हम भी आज कवर ड्राइव वैसा ही मार देते भाई जैसा कोहली मारता है। तो गाइज तुम भी एक दिन एकदम प्रो बन जाओगे। तो गाइज अब चलता हूँ यार, कल मिलते हैं अपन एक और नए वीडियो के साथ, तो बाय।